कानपुर देहात की घटना की आंच बलिया तक। बलिया से संजय कुमार तिवारी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में अतिक्रमण हटाने के दौरान मां बेटी की जिंदा जलकर मौत हो गई। अब इस घटना को लेकर प्रदेश में सियासत तेज हो गई है। वहीं बलिया में बीएसएस के 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल टीम ने बलिया डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ज्ञापन सौंपा है। वहीं बीएसएस के प्रतिनिधिमंडल ने मांग की है कि दोषियों के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए और सरकार पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा दे। बीएसएस के प्रदेश महासचिव राजेश मिश्रा का कहना है कि कानपुर देहात में जिस तरह से घटना घटित हुई है, जो भी सरकारी कर्मचारी इसमें संलिप्त है तो उनको तत्काल बर्खास्त किया जाए और सभी के संपत्तियों की जांच की जाए, उनके घरों के ऊपर बाबा का बुलडोजर चलाया जाए, पीड़ित परिवार का पुनर्वास किया जाए और 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए और दोषियों के ऊपर 302 का मुकदमा दर्ज भी किया जाए। यहाँ पर डीएम कार्यालय पर आप किस काम के लिए पहुँचाए थे, यहाँ पर क्या वजह, क्या कारण? हम लोग कानपुर देहात में जो घटना घटी है, एसडीएम मेहता के द्वारा प्रताड़ित होकर के जो ब्राह्मण महिला उनकी बेटी को जला करके मारा गया है, उसी प्रकरण में हम लोग माननीय डीएम महोदय से मिलने आए थे। क्या मांग की है उसमें, क्या आपकी मांग? हम लोगों ने मांग किया कि जो लोग भी उसमें, जो भी सरकारी कर्मचारी संलिप्त हैं, सबको बर्खास्त किया जाए, सबके संपत्तियों की जांच किया जाए, उनके घरों पे बुलडोजर चलाया जाए और पीड़ित परिवार का पुनर्वास किया जाए तथा 50 लाख रुपए की मुआवजा उनको प्रदान किया जाए। उनके ऊपर 302 का मुकदमा भी पंजीकृत किया गया। इन्हीं मांगों को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री को हम लोगों ने ज्ञापन दिया डीएम महोदय के माध्यम से। ये किस संगठन से आपने दिया है? हम लोग ब्राह्मण स्वयं सेवक संघ के जिला अध्यक्ष रिंकू दुबे के नेतृत्व में 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल आया था, जिसमें हमारे जिला महासचिव विष्णु कुमार मिश्र, जिला प्रभारी पंकज मिश्रा जी, अधिवक्ता प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष रामजी चौबे, आजमगढ़ मंडल प्रभारी ओम प्रकाश पांडे और हमारे जिले के संगठन मंत्री कोणेश पांडे शामिल।